कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पंचायती चुनाव और नगर निकाय चुनावों की रोस्टर प्रक्रिया को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपनी मर्जी से रोस्टर जारी किया है, जो कि सरासर गलत है। अभी हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषदों के चुनाव हो रहे हैं, नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। ये एक बहुत देरी से लिया गया दुरुस्त फैसला है। और जहाँ तक अगर रोस्टर पर हम ध्यान दिलाएं, तो रोस्टर में भी बहुत गड़बड़ी इस सरकार ने की है। अपनी मर्जी से रोस्टर तैयार किया है। कहते थे 2000 के आधार पर, 2011 जनसंख्या के आधार पर रोस्टर निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और भी पंचायत की चुनाव की घोषणा हो गई है। मैं चाहता हूँ कि पंचायतों के चुनाव में सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, अच्छे उम्मीदवारों को चुनें, पढ़े लिखे उम्मीदवारों को चुनें, ईमानदार उम्मीदवारों को चुनें, ताकि जो है अपने पंचायतों का सुचारू रूप से काम कर सकें। और हिमाचल प्रदेश में जो पंचायतों को अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, श्री राजीव गांधी जी ने दिए हैं, उन अधिकारों का ठीक तरीके से प्रयोग हो सके, ताकि पंचायतों में विकास के काम जो है सुचारू रूप से चल सके। ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण राहुल राजीव गांधी की देन थी। और हम चाहते हैं अच्छे लोग जो है चुन करके आए, क्योंकि पंचायतों के चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं किए जाते। हम चाहते हैं कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, और जो कानून को थोड़ा बहुत जानने वाले हैं, पंचायती राज कानून को जानने वाले हैं, उन लोगों को लोग जो है चुने, ताकि वो ठीक तरीके से विकास का कार्य अपनी पंचायतों में कर सकें।